आज का जो हमारा प्लान है 30x36 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने 3 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ, देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है वो 30 फीट की होगी एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 36 फीट की होगी। फर्स्ट हमने फ्रंट में एक डोर प्रोवाइड किया है। डोर से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर। इस लिविंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 16 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 16 फीट 6 इंच की विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर, या डोर से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 12 फीट बाय 12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 12 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इसको हम एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर। इस डाइनिंग के ही फ्रंट में हमने किचन का एरिया प्रोवाइड किया है। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 8 फीट बाय 10 फीट 6 इंचेस का होगा, जिसमें कि हमारा 8 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट 6 इंचेस हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने डाइनिंग का एरिया प्रोवाइड किया है। इस डाइनिंग का जो हमारा साइज होगा वो 8 फीट बाय 10 फीट 6 इंचेस का होगा, जिसमें कि हमारा 8 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट 6 इंचेस हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा 8 फीट बाय 4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 8 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने स्टेयर्स का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ से हमारी स्टेयर जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी, हमारी स्टेयर की जो विड्थ होगी वो 3 फीट वाइड हमारी स्टेयर्स होगी। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट बाय 8 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 8 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा 12 फीट बाय 12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 12 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम का भी साइज हमारा 12 फीट बाय 12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 12 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को V से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा 1080 स्क्वायर फीट का होगा एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 lakhs के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 30x36 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने 3 BHK प्लान किया था।